बॉलीवुड की प्रतिभाशाली अभिनेत्री कंगना रनावत, जो कि अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं, उन्होंने इस बार पंजाब में चल रहे खालिस्तान मूवमेंट पर बड़ी बात बोल दी है। उन्होंने वारिस पंजाब दे संगठन के मुखिया और खालिस्तान मूवमेंट के समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर यह बात बोली है। कंगना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पंजाब की वर्तमान स्थिति पर अपने विचार साझा करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है, मैंने 2 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। मुझ पर कई मामले दर्ज किए गए थे, मेरे खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। मेरी कार पर पंजाब में हमला किया गया, लेकिन वही हुआ ना जो मैंने कहा था। अब समय है गैर खालिस्तानी सिखों को वहां की स्थिति और इरादा स्पष्ट करने के लिए। इसके अलावा कंगना ने एक और ट्वीट करते हुए खालिस्तान मूवमेंट के समर्थक अमृतपाल सिंह पर अपनी बात बोली है। उन्होंने अमृतपाल सिंह पर एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि अमृतपाल ने देश को खुली चुनौती दी है कि अगर कोई उनके साथ बौद्धिक चर्चा करने को तैयार है तो वह # खालिस्तान की मांग को सही ठहरा सकता है। अगर मुझे खालिस्तानियों ने पीटा या हमला नहीं किया या फिर गोली नहीं मारी तो मैं तैयार हूँ। आपको बता दें कि पंजाब में घटी इसी घटना पर कंगना रनावत ने अपने विचार साझा किए हैं। कंगना ने यहाँ पर खालिस्तानियों को उनसे बात करने की खुली चुनौती दे दी है। वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना इमरजेंसी में भारत की पूर्व महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा वो तमिल फिल्म चंद्रमुखी 2 में भी नजर आ सकती हैं। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।